ये दुनिया का शायद सबसे सरल और गजब का एयर पंप है। इससे आप गुब्बारे को हवा से फुला सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको एक लीटर की प्लास्टिक की बोतल, दो गुब्बारे, एक छोटा एक बड़ा, एक कैंची और थोड़ा सा सेलो टेप चाहिए। सबसे पहले बोतल के मध्य हिस्से के ऊपर आप दो छोटे छोटे छेद बनाएं कैंची के नोक से। इनको यहाँ पर लाल निशान से मार्क करा गया है। उसके बाद ढक्कन में एक 5 मिलीमीटर का, आधे सेंटीमीटर का छोटा सा छेद बनाएं और उसकी जो चपटी सतह है वहाँ पर एक छोटे से गुब्बारे को आप तान के फिट कर दें। फिट कैसे करेंगे? टेप से ढक्कन के लिड पर चिपका दें। अब ये गुब्बारा तना रहेगा, जो एक्स्ट्रा है उसके सिरे गुब्बारे के उनको काट के अलग कर दें। अब ये एक तरह का वैल्व बन जाएगा। अब देखिए, ये नीचे से तो इसमें हवा जाएगी, गुब्बारा थोड़ा सा उठ जाएगा, पर ऊपर से दूसरी दिशा में हवा नहीं जाएगी। अगर आप इसमें से फूकेंगे तो इसमें से बहुत तेज एक कर्कश आवाज निकलेगी, क्योंकि हवा एक ही दिशा में जा सकती है और यही कोई वैल्व करता है, वन वे ट्रैफिक। अब आप ढक्कन को बोतल के अंदर फिट कर दें। उसके बाद में इस ढक्कन के अंदर आप, अब दोनों, ये पंप का एक्शन है कि दोनों छेदों को आप अंगूठों से बंद करके बोतल को दबाएं। इससे हवा गुब्बारे में जाएगी और जब आप छेदों को खोलेंगे तो दबी बोतल फिर फूल जाएगी। अब ढक्कन में पीले रंग का गुब्बारा फिट करें, छेदों को बंद करके अंगूठों से दबाएं, फिर छोड़ें, फिर दबाएं, फिर छोड़ें। इस एक्शन से गुब्बारे में हवा भरती रहेगी और धीरे धीरे करके गुब्बारा फूल करके कुप्पा हो जाएगा। ये गजब का पंप है, इसके अंदर एक बहुत ही एफिशिएंट वाल्व है। अगर आप किसी भी पंप से गुब्बारे को फुला सकते हैं, इसके मतलब ये एक परफेक्ट आदर्श पंप है जिसके अंदर कोई भी लीकेज नहीं है। और इसके अंदर मटेरियल क्या लगता है? एक पुरानी फेंकी हुई बोतल और एक छोटे से गुब्बारे का वाल्व है ना, एकदम दुनिया का 5 स्टार महान एयर पंप।